आपको और मुझे आनंद से छूटना चाहिए और आपको और मुझे पता होना चाहिए कि परमेश्वर के घर में आनंद की कमी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है यहोवा तो भजन संहिता 16 काली भजन संहिता 16 भजन संहिता उसका 16 का क्या है उसका क्या वचन तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा है। सुनिए 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 मेरे अंदर क्या लिखता है। बड़ी औसम बात है, बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी चीज है। परमेश्वर
पवित्र आत्मा यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर और त्रिएक परमेश्वर तुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। लिखा है कि जब उस किसी ने मुझसे कहा कि प्रभु के घर को चले क्योंकि तू बोले लोगों ने बोला हे बस तभी आपको कंफ्यूजन का करना शुरू कर दिया, गरीबी में घेर लिया, बीमारी में घेर लिया, निराशा में घेर लिया, तो उस समय आपको लगता है कि शायद जिंदगी यही तक थी। बोले सही की गलत सही है। उस टाइम लगता है ये यार उससे अच्छा इस जिंदगी से जीने से अच्छा तो मैं दुनिया से वो जाना सुंदर क्योंकि मेरे पास खाने को भोजन नहीं है, मेरे पास पहनने को कपड़ा नहीं है, मेरे पति पत्नी मेरे माँ बाप मेरे भाई बहन मेरे बिजनेसमैन मेरे लीडर मेरे अपने मुझे समझ नहीं पाता हे प्रभु मैं कब तक ऐसे जीऊंगा हे मेरे माँ बाप को याद कर दे हे माँ हे पिताजी हे परमेश्वर हे खुदा हे परमेश्वर हे मालिक तू मुझे इस दुनिया से दुहाई देते हैं पर परमेश्वर इस जिंदगी को अच्छा तो मुझे उठा ले प्रभु मैं जीना नहीं चाहता। मेरा परमेश्वर कहता है काम करता है जब ऐसे हालातों में मैं यीशु के पास यहोवा के घर उसके पास निकला वो आपको मार्गदर्शन करेगा। द्वारा किधर द्वारा
उन मूसा के रहा प्रभु मैं था अकर्मद है मेरे तो जुबान भी चलती नहीं निकला पता नहीं मैं तो चंगी तरह बोल नहीं सकता प्रभु यहोवा के मैं तू जा तेरे अंदर भी हो के मैं बोल परमेश्वर ने छह लोगों को बाहर करना कितने लाख छह लाख बोलो कितने लाख छह लाख छह लाख इतनी हो जाने लीडर कितना बंदे कितने छह लाख प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया समझे कितना टफ होएगा छह लाख लोग आदि क्रिकेट क्रिकेट ची ची चा पा ए ओ ई गाय चले गले कितना औखा होता होगा मुसा हालेलुया लिखा याद कराना पड़ेगा क्यों क्या परमेश्वर ने वचन दे दिया कि ओ तेरे वास्ते जीवन का तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और जब मूसा जब परमेश्वर की आज्ञा को लेकर चला तो लिखा है जब वो मिस्र से तो निकल आया क्या हुआ बोलो मिस्र से निकल आया लेकिन आगे हाथ समुद्र आगे लाल समुंदर पीछे फिरौन की सेना मूसा नाल इसराइलिया देखो लाल समुंदर आया अगे पानी पीछे पहुंचा देख के मन घबराया हालेलुया हालेलुया वो निकलता आया बड़े जवान निकलता आए पर जब आए अग्गे भी मौते अग्गे भी मौते पीछे भी मौत परमेश्वर कहता हे मूसा फिर भी उन गुहा और उन गुहा
परमेश्वर की महिमा नहीं है। प्रभु के दास के खिलाफ बोलना मत। आप और मैं परमेश्वर के पास नहीं ले नहीं आते।
लेकिन आनंद की नीति वचन में लिखा है, नीति वचन 3:8 में लिखा है, बोला ऐसा करने से तेरी हड्डियां हस्त और पुष्ट रहेंगी। मतलब ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरा शरीर कहलाएगा भला चंगा रहेगा। और इसी नीति वचन में लिखा है, बोलता है मन का आनंदित रहना हड्डियों के लिए एक अच्छी दवाई है। उसके आगे लिखा है उदास मन हड्डियों का सड़ा है। जोर से बोलो उदास मन हड्डियों का सड़ा है। अरे बाबू चलता रहेगा चलेगा हाँ कैसे की अरे बाबा चलता रहेगा। और एक दिन क्या होगा अगर 12 ग्राम तुम्हें बात करते हैं छोटे छोटे जो पुलिस बनाएंगे क्यों बनाए ताकि वो इंसान क्या करे खुश हो जाए। क्योंकि डॉक्टर को भी पता है एक जो मेडिसिन लेकर हम सब रहता है अगर इंसान को कोई दवाई आनंद नहीं दे सकती कोई कुछ आनंद नहीं दे सकता अगर इंसान आनंद बनाएगा खुश हो जाएगा आदमी मर जाएगा। आमेन डिप्रेशन का एक इलाज है यहोवा का भवन। आमेन हालेलुया। हां जी आप तो की मंगना चाहिए अब खुशी है। पहला पॉइंट की सी का मैं तेरे घर च रहूं ताकि तेरे घर च रहूं तेरे घर च रहूं ना ठीक है पर तेरे घर च की आवा देता खुश हो गए क्या खुश हो गए हेलो दूसरा उसका संग तीसरा उसके घर में जब जाए परमेश्वर प्रभु जब तेरे घर का बारी आए जब तेरे पास आने का समय आए यीशु मेरा मन आनंद से भरे आमेन। बोलो चुप चुप कर नाचते हुए नंद प्रभु के घर को चलो आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। घर में बीमार रहेगा ना कोई क्या रहेगा बीमार इधर हंसी रहेगा आत्मिक आनंद परमेश्वर ने मुझे धार दिया है इसलिए मैं कंगालता में नाचता हुआ महिमा करूंगा बीमारी में आनंद के साथ उसका सदा धन्यवाद
तेरे पास कुछ नहीं जाएगा लेकिन फिर भी मुस्कुराऊंगी मैं, मुझे मुस्कुराहट की आत्मा दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस जगह पे खड़े हो सकते सो बाबा साखा रे बा साखा बाबा साखा रे ना साखा से जी वो खोल दे आपके पास बात अन्य भाषा का भाषा थोड़े थोड़े अन्य भाषा का से के चीज मत उठाए रहा से के हाँ यस यस भाइयों